महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में बांद्रा में यह घटना हुई कि बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई अपराधियों के द्वारा। इस पर आप क्या कहेंगे सर, अपराधी अब पकड़ा गए हैं तो आगे क्या होगा? देखिए, तो बहुत दुखद घटना है और कायरतापूर्ण हत्या उनके की गई। बाबा साहब सिद्दीकी सामाजिक नेता थे और उस प्रदेश के मंत्री भी रह चुके थे। उनकी हत्या काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि बिहार से उनका लगाव रहा है, बिहार के वासी रहे हैं, तो उनकी हत्या की सूचना हम लोग को भी। महाराष्ट्र सर, महाराष्ट्र जैसे राज्य में बांद्रा में यह घटना हुई कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? बाबा सिद्दीकी न केवल महाराष्ट्र के नेता थे, बिहार उनका जन्मधरती था, बिहार भी आते रहे हैं और हमारे अच्छे मित्र हैं। जब भी बिहार आते थे तो कुछ लोगों से वो संपर्क करते थे, उसमें हमसे भी संपर्क में थे। लेकिन उनकी इस प्रकार से हत्या ये दर्शाता है कि डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में फेल है, सरकार पे माफिया हावी है, सरकार मुख्यमंत्री में माफिया चला रहा है। इसलिए हम इस बात को कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी हमारे दल के नेता जरूर थे, लेकिन इन दिनों वो भाजपा समर्थित एनसीपी में चले गए थे, सरकार में थे, तब उनके यहाँ मुख्यमंत्री की हत्या होना, जिसका बेटा स्वयं अभी MLA हो, तो सीधा सीधा सरकार फेल है। मैं ऐसा कहता हूँ, मैं बाबा सिद्दीकी के परिवार उनके सुपुत्र निशान से हृदय मजबूत हो, इसलिए हम कामना करते हैं। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर बांद्रा में यह घटना हुई कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है, आपको भारतीय जनता पार्टी को जो सरकार में बैठी हुई है, केंद्र में 10 सालों से ज़्यादा बैठी हुई है, उसको कम से कम कस्टडी के अंदर कितने डेथ हुए हैं उसका ज़रूर रिपोर्ट निकालना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है, ये अच्छी चीज़ें नहीं है कि पता चलता है कि कस्टडी में रहते हुए एक अपराधी जो है वारदात कर देता है, बाकायदा उसके गुर्गे घूमते हैं और कितने लोग जो है कस्टडी के अंदर उसी के वजह से जहरखुरानी के शिकार हो जाते हैं या फिर गोली मार दी जाती है उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक। तो ये चीज़ें कहीं भी अच्छी नहीं है और इस देश के जो संवैधानिक जो देश है, जो लोकतांत्रिक देश है, इसमें तो एकदम ये बर्दाश्त की काबिल नहीं है। ये चीज़ बहुत ही निंदनीय है, ये घटना निंदनीय है, देश के लिए शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक दुनिया में जाने वाले चेहरे थे, कई कंट्री में उनको जाना जाता था, बड़े सेलिब्रिटी उनको जानते थे, तो ये कहीं ना कहीं भारत के ऊपर एक कलंक लगा है। विपक्ष तो कह रही है कि गुनहगार को सजा दिलाएगी, हम तो हमेशा विपक्ष के नाते कहते हैं कि जो भी गुनहगार है उसको कटघरे के अंदर खड़ा होना चाहिए, उसकी जगह जेल है। लेकिन पता चलता है कि जो सत्ता समर्थित लोग हैं, सत्ता संपोषित लोग हैं, उन्हीं वही लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोग ही उनको संपोषित करते हैं। अटूट विश्वास शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज, कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक पटना।